हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगा फोर्थ एक्सिस सेटिंग। ठीक है, आज आपको मैं बताऊंगा फोर्थ एक्सिस सेटिंग। इसको हम ए एक्सिस ही बोलते हैं एंड वी एक्सिस ही बोलते हैं। ओके, इसमें कंफ्यूजन ही कोई वो नहीं है। इसे ए और बी भी बोलते हैं फोर्थ एक्सिस को। ठीक है, किसी मशीन में ए एक्सिस बोला, किसी बी में कोई फोर्थ एक्सिस इसे बोलता है। तो आप जानते हैं कि बीएमसी मशीन में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। लेकिन जब हमें एंगल पे वर्क करना होता है तो उसके लिए हम ऐड करते हैं बी एक्सिस या ए या फोर्थ एक्सिस, कुछ भी बोलिए, इसको ऐड करते हैं। उसके बाद भी एक होता है फिफ्थ एक्सिस। तो आज मैं फोर्थ एक्सिस के बारे में ही बात करूंगा, फिफ्थ एक्सिस के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जिसने दो रोटरी देखा हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई, जिनको रोटरी नहीं पता है रोटरी क्या होती है, वो काम कैसे करती है, तो मैं एक सिंपल सा ड्राइंग बना देता हूँ रोटरी का, इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये हमारा रोटरी होता है, रोटरी होता है और इसको बोलते हैं टेल स्टॉप। STOCK इसको बोलते हैं टेल स्टॉप। ये हमारा रोटरी सर्वो मोटर है। इसका वायर होता है जो कि हमारे सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एल प्लेट होते हैं, एल प्लेट लगे होते हैं, ये जो होते हैं एल प्लेट होते हैं। इसके ऊपर हमारा फिक्सर माउंट होता है जो कि हमारा ये स्टेशन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं रोटरी बेस। ठीक, और ये तो जो होता है वो हमारे मशीन के हेड पे टी नट के और एल एन पिन के साथ कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं बेड, मशीन का बेड होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं, जो भाई ने देखा होगा रोटरी, तो इस पॉइंट पे स्केल होता है, स्केल होता है जो 0 से 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, चलिए आप तो ट्रेवल जानते ही हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जो वर्टिकल होता है जेड होता है। जो इसका ट्रेवल होता है ये किस तरह काम करता है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन करता है, यानी ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमता है, ये घूमता है। ठीक है, तो जैसे 90 डिग्री 270 डिग्री तो ऐसे वो घूम घूम के इस पे ऑपरेशन की जाती है। ठीक है, चलिए बताते हैं। जैसे देखिए, ये जब क्या होता है कि जब मशीन एक्सीडेंट होती है उसमें हमारा रोटरी का बी एक्सिस कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे 5 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए ये इस तरह है तो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब होके यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए सेंटर ये है तो इतना डिस्टर्ब है, ये जो भी डिग्री है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी
ऐसे हो अपने तरफ हो जाएगा, फिर ऐसे हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, ये डिस्टर्ब हो जाता है पिक्चर रोटरी। तो करते क्या है चलिए बताते। देखिए सबसे पहले या आप हैंडल मोड में, जो हमारा ये होता है हैंड पुलसर, जो कि ये ऐसा होता है कुछ 100 1000 करके इसमें रीडिंग होता है, एक्स वाई जेड बी होता है हमारे घुमाने वाला होता है, ठीक। इसे हैंड पुलसर बोलते हैं, ठीक। इसके सहायता से या एमडीआई यानी मैनुअल डाटा इनपुट, उसको एमडीआई में लगा के ओ G0 G90 G54 X0.0 Y0.0 और मान लीजिए BX0.0, या फोर्थ एक्सिस को मैंने BX मान लिया, तो हमारा क्या होगा कि फिक्चर एकदम 0-0 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा फिक्चर होगा ये 0-0 होगा, जितना डिग्री पे वाले डिस्टर्ब है उतने डिग्री पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, मान लीजिए पहले तो पोजीशन पे जाइएगा, तो मशीन में जो हमारा रिलेटिव होता है एब्सोल्यूट होता है, मशीन रीडिंग जो होती है मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन में एक्स वाई जेड और बी एक्सिस ये हमें 0-0 कर लेने हैं। जब आप एमडीआई में ये डालिएगा एमडीआई में, तो ये हमारे चारों पॉइंट 0 हो जाएंगे मशीन के, ठीक। जब 0 हो जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा जिधर डिस्टर्ब है उस जगह पे जाके रुक जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे डायलिंग करते हैं तो उसमें जैसे डायल बांधते हैं, उसी प्रकार से स्पिंडल में डायल बांध लेंगे और इस पॉइंट पे एक जगह टच कराएंगे, एक जगह डायल को टच कराएंगे पिक्चर पे। पिक्चर पे टच कराने के बाद मान लीजिए टच कराएं और डायल का प्रेशर मान लीजिए 40 पे डायल है, मतलब 40 माइक्रोन का प्रेशर दिए, सुई यहाँ है बट हम 40 माइक्रोन का प्रेशर दे के यहाँ कर दिए सुई को, ठीक है। 40 माइक्रोन का प्रेशर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में जाने के बाद आता है और एक्सिस 0, हम ऑल एक्सिस 0 कर देंगे, फिर हमारा एक्स वाई जेड मैंने एक्स वाई जेड और भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ टच कराएंगे तो हमारा जेड का कुछ रीडिंग आया होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, जेड को प्लस करेंगे और वाई में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के इस पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज है नीचे की तरफ झुका है तो माइनस में आएगा, अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ है डिस्टर्ब है तो प्लस में रीडिंग आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ टच कराएंगे तो देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये कितना डाउन है या कितना अप है। मान लीजिए डाउन है, मान लीजिए मैंने टच कराया प्रेशर पूरा देने के बाद 40 तक, यहाँ टच होने के बाद 40 तक प्रेशर देने के बाद सुई हमारा ये 0 पे पहुंच रहा है यहाँ, तब देख रहे हैं जेड में आ रहा है कितना, मान लीजिए -5 आ रहा है, यहाँ पे हमारा जेड में -5 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जब हमारे यहाँ -5 मिल रहा है तब क्या करेंगे, तब एक चीज बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यहां से फिर डायल को ऊपर उठाएंगे इसके हाफ, यानी जब डिस्प्ले में देखेंगे यहाँ मशीन के, यहाँ -2.5 कर लेंगे, -2.5 करने के बाद तब बी एक्सिस को मैंने जो ये सिलेक्शन हुआ है ये हैंड पुलसर द्वारा बी पे ले जाएंगे सिलेक्ट करके और बी एक्सिस को घुमाएंगे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए माइनस में तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज में यानी प्लस में घुमाएंगे। तो जब प्लस में घुमाएंगे तो हमारा रोटरी ऐसे उठेगा, जब उठेगा उठने के बाद धीरे धीरे स्पीड कम कर लेंगे अपना, ये भी 10 10 पे ला लेंगे और उठते उठते जब देखेंगे
जब ये डायल में टच हो जाएगा फिक्चर उठने के बाद टच हो जाएगा तो देखेंगे प्रेशर 40 तक मेंटेन करना है। जब 40 पे माने 40 यहाँ माने जीरो पे जब आ जाए डायल का वो सुई पॉपी डायल का तो जीरो आ जाए, देखेंगे कि फिर डिस्प्ले में सॉरी जब यहाँ टच करा लेंगे ऊपर उठा लेंगे ढाई उठा के ऑल एक्सिस फिर जीरो कर लेंगे, ऑल एक्सिस जीरो कर लेंगे। ऑल एक्सिस जीरो करने के बाद तब यहां हम फिर टच करा के देखेंगे तो ढाई आना चाहिए, ठीक है। अगर ढाई नहीं आ रहा है मान लीजिए 0.1 2.4 आ रहा है तो हमारा 0.1 का फिर फर्क आ रहा है तो फिर ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो नियम हो किस तरह उसे सेट करेंगे रोटरी को, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पे टच करा लेंगे, यहां पे टच करा के ऑल एक्सिस जीरो कर लेंगे, जीरो करने के बाद फिर यहां टच कराएंगे तो मान लीजिए माइनस पांच आ गया तो क्या करेंगे कि ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या 2.5 जेड में ऊपर उठा के और बी एक्सिस को घुमा के डायल को जीरो कर लेंगे, उसके बाद ऑल एक्सिस को फिर जीरो कर लेंगे। ऑल एक्सिस जीरो करने के बाद फिर इस पॉइंट पर टच करा के देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 2.4 आ गया तो 0.1 की डिफरेंस है, फिर उसी प्रकार यहाँ 50 माइक्रोन हाफ कर लेंगे इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है जीरो करने की, जब जीरो करेंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग प्राप्त होगी, मान लीजिए 358 प्राप्त होती है हमें, ठीक है। तो ये 358 जब 360 हो जाए हमारा तो हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 358 जब मिल रहा है तो 358 की रीडिंग कहाँ डालेंगे, ठीक है। तो इसका तीन मेथड है, एक तो माइक्रो प्रोग्राम है, दूसरा आपका है ऑफसेट में, और तीसरा है सिस्टम में, ठीक है। ये तीनों विधि से हम डाल सकते हैं। तो माइक्रो वाले में डालते हैं तो उसमें एक माइक्रो प्रोग्राम का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा 5201 5202 5203 और 5204। ये होता है एक्स वाई ये जेड और ये बी, इसी पॉइंट पे डाल देंगे 358.0। जब यहां डाल देंगे ये हमारा एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल ऑफसेट होता है, यहां इसे हम एक्सटर्नल ऑफसेट करते हैं जो G53 होता है। अगर इसमें हम डाल दिए X00 Y00 Z00, अगर B के इतना वैल्यू डाल दिए तो हमारा 54 55 56 जो भी हमारा ऑफसेट और सारे उसमें भी जीरो पड़ेगी, इतने पॉइंट भी जीरो हुई है तो 54 55 56 सारे में जीरो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है ऑफसेट, ऑफसेट में खोलेंगे, ऑफसेट खोलने के बाद फिर वर्क खोलेंगे, वर्क में उसमें भी एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल लिखा रहेगा एक्स वाई जेड बी, तो उसमें जो भी बी या ए जो भी लिखा है वहां पे हम इस वैल्यू को डाल देंगे तो हमारा उसमें भी 54 55 56 सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा पैरामीटर में जाके चेंज होता है। तो पैरामीटर में क्या करेंगे, पहले पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन के बाद फिर सिस्टम में जाएंगे, फिर सिस्टम में जाने के बाद वहां पे टाइप करेंगे 1815 1815 टाइप करने के बाद फिर सर्च करेंगे ACRACH, फिर सर्च करेंगे इसे, सर्च करेंगे
सर्च करेंगे तो वहां हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड बी, ठीक है। तो उसमें जो वी का वैल्यू है वहां डाल, यहां डालिएगा मत, जहां हमारा रोटरी खड़ी है उस पॉइंट पे वहां 0.0 डाल के इंटर कर दीजिएगा इनपुट, उसके बाद फिर 1 करके इनपुट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगी और ये सब डालने की कोई जरूरत ना पड़ेगा, प्रोग्राम में हमारे डायरेक्ट पैरामीटर से ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर वाला, ये हमारे प्रोग्राम के, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि इसको मैं मशीन पे बताऊं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको मशीन पे भी इसको बता दूंगा, समझा दूंगा ये सिस्टम वाला, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।